पितरों की मृत तिथि नहीं पता तो इस दिन करें श्राद्ध, जल्दी मिलेगा उन्हें मोक्ष। साल में 15 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे पूर्वजों को समर्पित रहते हैं, जिन्हें हम पितृ भी कहते हैं। इन 15 दिनों के दौरान लोग अपने अपने मृत पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि करते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 15 दिनों को पितृपक्ष भी कहते हैं। पितृपक्ष के समाप्त होते ही देवी पक्ष की शुरुआत होती है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर दिन मंगलवार से होने जा रही है। इन 15 दिनों में कई ऐसी शुभ तिथियां हैं जिनमें श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। कौन सी वह तिथियां हैं और उनमें किन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए, जानते हैं। 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है और 2 अक्टूबर सर्वपित अमावस्या तक चलने वाली है। हिंदू धर्म में इन 15 दिनों का खास महत्व होता है। इस अवधि में पड़ने वाली तिथि भी काफी महत्वपूर्ण होती है। इन 15 दिनों में यानी आप श्राद्ध नहीं कर पाए तो कुछ शुभ श्राद्ध तिथियां हैं जिनमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। 15 दिनों में हैं ये शुभ श्राद्ध तिथियां। देवघर की ज्योतिषारे बताते हैं कि 15 दिन में कई ऐसी श्राद्ध तिथियां हैं जो बेहद शुभ मानी जाती हैं, जैसे भरणी श्राद्ध। भरणी श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाता है। इस तिथि में अविवाहित मरने वालों का श्राद्ध किया जाता है। पंचांग के अनुसार भरणी श्राद्ध का समय 21 सितंबर को भोर 4:09 से शुरू हो रहा है और समापन अगले दिन 22 सितंबर को दोपहर 2:43 पर हो रहा है। नवमी श्राद्ध मातृ नवमी के नाम से भी किया जाता है। इसमें मातृपक्ष जैसे माँ, दादी, नानी इत्यादि के पितरों का श्राद्ध किया जाता है। नवमी तिथि 25 सितंबर को पड़ रही है। सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिन पितरों की मृत तिथि मालूम नहीं होती है। इस साल 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।